जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी का दरबार श्रद्धालुओं की आमद के लिहाज से पहले नंबर पर माना जाता है और अगर श्रद्धालु दूसरी ओर धार्मिक स्थल पर रुख करते हैं तो वह शिवखोड़ी धाम है, जहां देश के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए रियासी जिले के रनसू इलाके में स्थित भोले बाबा की प्रतिमा की एक झलक पाने के लिए पहुँचते हैं। को देखते हुए प्रशासन की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया था कि माता वैष्णो देवी जी की तर्ज पर होने वाली लाइव आरती का प्रसारण शिवखोड़ी धाम में भी संध्या और प्रातः के समय लाइव आरती का प्रसारण शुरू किया गया था, जिससे एकदम ही अधिक संख्या में यात्रा शिवखोड़ी धाम में आना शुरू हो गई। इसके बाद व्यापारी वर्ग के साथ जुड़े हुए लोगों के चेहरे भी खिलखिला उठे, लेकिन मौजूदा समय में लाइव आरती का प्रसारण बंद हो चुका है। खाने लोगों की अगर माने तो पिछले 4 महीनों से लाइव आरती का प्रसारण बंद हो चुका है, जिससे यात्रा की आमद में भी गिरावट हो चुकी है। एक साल पहले शुरू हुआ था, जब जो चलने लगा तो यात्रा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी और चैनल पे आ रहा था, यात्री पूछते थे भाई आरती का समय क्या है, कैसे चल रहा, तो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा यात्रा बढ़ रही थी। तो आज उसका ये हो रहा है, 4 महीने से बंद रखा हुआ है, इसका कारण नहीं बताया कि क्यों बंद कर दिया गया उसको, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है, पिट्ठू पाल के घोड़े वाले को नुकसान हो रहा है। यात्रा आएगी तो तभी उससे बढ़ोतरी होगी, अगर यात्री नहीं आएंगे, यहाँ यात्री पूछते हैं भाई आरती का समय क्या, तो हम क्या बताएँ कि यात्री का आरती का समय क्या है, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठेस पहुँच रही है। ये आरती लाइव आरती है जो दोबारा शुरू होनी चाहिए। मौजूदा समय में कितनी आमद है यात्रियों की प्रतिदिन? यहाँ 2,000-2,500 यात्री आते हैं, हाँ, लेकिन कम ही हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कम ही हो रहे हैं उससे जब से इन्होंने लाइव आरती बंद की हुई है। व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोगों ने कहा, मौजूदा समय में भी 10,000 से 15,000 श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शनों के लिए प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, लाइव आरती के प्रसारण के बंद होने के कारण भी यात्रा की आमद में फर्क पड़ा है। उन्होंने कहा, तीर्थ स्थलों में सुविधाओं की बढ़ोतरी होती है, हमने कई बार देखा है, लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी पर रोक लगाई जा रही है। इसके साथ साथ लोगों ने कहा कि यात्रा अधिक दर्शनों के लिए जाती है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर रिकॉर्ड कम की जाती है, क्योंकि प्रशासन की ओर से की सरेआम लापरवाही देखी जा रही है। यहाँ पर आप पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं, यहाँ से 4 महीने पहले यात्रा कितनी थी, आज देखी जाए बड़ी कम हुई है। ये मेन वजह है 4 महीने से जो लाइव आरती बंद करवाई गई है, जहाँ दिन ब दिन यात्रा कम हो रही है बढ़ने की बजाय। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर पीछे जो है शिव गंगा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर शिव गंगा की भी आरती होना चाहिए, वो भी लाइव होनी चाहिए, और जहाँ प्रशासन दिन ब दिन बैक टू बैक करते जा रहा है, ये हमारी सख्त नाराजगी है व्यापारी तरफ से भी और यात्रियों की भी। हम चाहते हैं कि जहाँ पर बढ़ोतरी हो यात्रा की, ताकि आमदनी लोगों की बढ़े और उसके साथ साथ व्यापार भी बढ़े, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि डिपकाम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि 4 महीने के जब बंद है, दोबारा से लाइव आरती फिर से शुरू करवाई जाए। यहाँ पर जो देखो जो ये है हमारी शिव गंगा है, यहाँ पर आज भी नंदी जी के पाँव के चिन्ह लगे हुए हैं। इसको ऐसे ऐसे एरिए हैं जो टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, इनको डेवलप किया जाए, ताकि आने वाले यात्री कुछ देख सकें और रुकें जहाँ पर नाश्ते करें। यहाँ के जो भी बोर्ड मेम्बर हैं या जो चेयरमैन हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आज से 4-5 महीने पहले जो है वो आरती लाइव चलती थी, जैसे वैष्णो देवी माता की चलती थी वैसे ही यहाँ की आरती भी लाइव होती थी, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पता नहीं किसी कारणवश बंद कर दी गई है। देखिए यहाँ दिन ब दिन यात्रा बढ़ रही है, 15,000 तक पर डे का आंकड़ा पहुँच चुका है, और मैं प्रशासन से ये भी अपील करूंगा कि आरती को बंद ना कीजिए, आरती को लाइव करवाइए दोबारा। इससे क्या हो रहा है कि यात्रा दिन ब दिन और बढ़ेगी, और यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं जो व्यापार मंडल है, जो घोड़े वाले हैं, पिट्ठू हैं, पालकी वाले हैं, उनका भी जो है रोजगार बढ़ेगा। वहीं लाइव आरती होने से लोग अपने घरों में सुबह शाम बैठकर अपने फोन या टीवी पर आरती को देख सकते थे। अब लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन की नालायकी के कारण लाइव आरती का प्रसारण बंद हुआ है। इसके साथ साथ कई सारी परेशानियों से मीडिया को लोगों ने रूबरू करवाया। यहाँ पर जो यात्रा जो है काफ़ी यात्रा जो है यात्रा की बढ़ोतरी है,
यहाँ पे एवरी डे मतलब के 20,000 के करीब जो यात्रा अभी चल रही है। और हमारा जम्मू कश्मीर में कटरा वैष्णो देवी के बाद ये सेकंड जो रिलीजियस प्लेस है शिवपुरी में, तो जैसे मतलब यहाँ पे जो लाइव आरती चला करती थी उससे जो यात्रा का बढ़ाव था, काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से यात्री जो है जहाँ पे पिलग्रिम्स जहाँ पे आ रहे थे उसको देख करके। लेकिन आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी, मैं उनको अपने डीसी मैडम को जो एडिशनल चार्ज एडिशनल स्टैंड बोर्ड की चार्ज इंचार्ज हैं और डिप कॉम साहब को मैं मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वो इसको फिर से शुरुआत करें, इसको फिर से चलाएं आरती को, लाइव आरती को और MH1 पे, जिससे कि यात्रा का जो बढ़ावा होगा और भी काफ़ी सारी जो शिवपुरी श्राइन बोर्ड में जितनी भी फैसिलिटी जो पेंडिंग पड़ी हुई है यहाँ पे अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेटर बंदा रखा जाए जिससे जो इसको और एस्टेब्लिश किया जाए ताकि डे बाय डे जो यात्रा बढ़ रही है और इस शिवखोड़ी को बढ़ावा मिल सके। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड का गठन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भांति होना चाहिए और कोई एक बड़ा IAS लेवल का ऑफिसर यहाँ पर तैनात होना चाहिए जिससे शिवखोड़ी श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करवाई जाए। रियासी से सुरिंदर शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं घर का शिवजी मरे प्यास, बाहर करे जलधारा।